हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरिता और आज आप देख रहे हैं फ्रेश वेजिटेबल्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस वायरस से भरे माहौल में आप अपने वेजिटेबल्स को किस तरह से बैक्टीरिया फ्री, वायरस फ्री, जर्म फ्री कुछ भी कह सकते हैं आप, तो किस तरह से हम अपने वेजिटेबल्स को धोएं जिससे कि ये भी एक प्रॉपर खाने के लिए हमारे लिए रेडी हो जाए। क्योंकि आजकल आप देख पा रहे हैं कि टीवी में, सोशल मीडिया पर कि वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश करना है, तो कई लोग सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं कि साबुन से लोग धो रहे हैं। तो साबुन से धोने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट स्किन होती है इन सब की, तो जो सोप और डिटर्जेंट होते हैं वो इसके अंदर चले जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि अपनी वेजिटेबल्स को आप सोप से धोएं। एक बहुत ही अच्छी यूनिक ट्रिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिसे आप फॉलो करने के बाद अपनी वेजिटेबल्स को एकदम फ्रेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी वेजिटेबल्स वॉश करनी है। ये मैंने एक बार ही वॉश कर रखी हैं, आप चाहे तो दोबारा वॉश कर सकते हैं। अच्छे से वॉश करने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए, मैंने अच्छे बड़े पतीले में अच्छे से 4 से 5 लीटर लगभग पानी है, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको करना है यहां पर, ये देखिए, आपको 2 बड़े चम्मच यानी कि 2 स्पून आपको यहाँ पर सॉल्ट डालना है। ये मैंने सॉल्ट ऐड किया है और आप इसके अंदर चाहें तो ये खाने का मीठा सोडा जो हम लोग खाने में डालते हैं वो है इसको, और ये मैंने हल्का सा ल्यूकवॉर्म वाटर है, ज्यादा गर्म नहीं करना पानी को, बहुत ही ल्यूकवॉर्म वाटर, हल्का सा गुनगुना पानी लेना है और अच्छे से इसको आप हाथ डालकर इस तरह से अच्छे से घुमा लीजिए, ये इस तरह से। इसके अंदर ये सॉल्ट जो है वो अच्छे से घुल चुका है, ये देखिए इस तरह से। तो इसके अंदर क्या करना है, आपको अपनी सारी वेजिटेबल्स जितनी भी हैं, मैंने एक बार मैंने बताया कि अच्छे से मैंने वॉश कर रखी हैं, इस तरह से अच्छे से रगड़ के, एक हाथ से मैंने फोन पकड़ा हुआ है इसलिए मैंने एक हाथ से कर रही हूँ, इस तरह से अपनी सारी वेजिटेबल्स को इस तरह से अच्छे से रगड़ के इस तरह से, और इस तरह से, और आपके पास जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, ये मेरे पास करी लीव्स हैं, कि इस तरह से अच्छे से आप इसको इसके अंदर 5 मिनट छोड़ दें और 5 मिनट के बाद आप निकाल करके ये मेरा डिश वॉशर है, मैं इसको इसमें शिफ्ट करूंगी। आप 5 मिनट के लिए वेजिटेबल्स को छोड़ दें, 5 से 10 मिनट, चाहे तो 20 मिनट भी आप इसको छोड़ सकते हैं। इस तरह से वेजिटेबल्स को आप निकाल के पहले प्लेन वाटर से वॉश कर लें, और फिर क्योंकि जब उसमें से जितना भी मिट्टी, डर्ट वगैरह जो भी होगा वो निकल जाएगा, और उसके बाद जितनी भी सारी वेजिटेबल्स हैं, ये देखिए बिल्कुल पानी बिल्कुल क्लीन है क्योंकि मैंने पहले से वॉश की हुई है, इसलिए इस तरह से आप अपनी वेजिटेबल्स को बिल्कुल अच्छे से धो सकते हैं और कोई बैक्टीरिया वगैरह इसके अंदर नहीं होगा। ये देखिए पानी बिल्कुल प्योर है, क्लीन है, क्योंकि मैंने इसके अंदर पहले से वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश किया हुआ था। तो इस तरह से ये देखिए जब अच्छे से पानी निकल जाएगा तो आप इन वेजिटेबल्स को अपने फ्रिज में लगा दें और यूज करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।